रोहतास थाना अंतर्गत बिशुनपुरा बालू घाट पर रोहतास के आरक्षी अधीक्षक आशीष भारती ने पूरे दलबल के साथ छापेमारी की। इस छापेमारी से बालू घाट में अवैध रूप से खनन कर रहे कई वाहनों को जब्त किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए आरक्षी अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि रोहतास तथा तिलहौतू के आसपास के कई इलाकों में अवैध रूप से बालू खनन जारी है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। ऐसे में आज गुप्त सूचना के आधार पर तिलौथू, रोहतास, अमजोर और इंद्रपुरी इन चारों थानों की पुलिस बल और एएसपी संजय कुमार, एसडीएम सुनील कुमार, अमजोर अंचल निरीक्षक मनोज कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के द्वारा छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 16 ट्रैक्टर के ट्रॉली को जब्त किया गया है। सर को डायरेक्ट सूचना मिली अवैध खनन की, तो सर यहाँ बताया जाए किस सिलसिले में आना हुआ? देखिए, पूरे बिहार राज्य में और अभी जो रोहतास जिला में किसी के पास भी खनन करने का वैध लाइसेंस नहीं है सर। और ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं, इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी थाना और सीओ स्तर से, एसडीपीओ एसडीएम स्तर से। और ऐसी सूचना मिली कि आज रोहतास थाना के अंतर्गत ये बिशुनपुरा घाट है, वहाँ पे कुछ लोग इस प्रकार का अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रेकी करने को पहले भेजा, पाया कि सूचना सही है। उसके बाद जो पूरी टीम है, मैं एसडीएम डेहरी और एसडीपीओ डेहरी और एसएचओ रोहतास और अन्य पुलिस पदाधिकारी क्यूआरटी के सभी लोग यहाँ पे आकर के इस पे छापेमारी किए, तो पाए कि बीच नदी में कुछ कई सारे ट्रैक्टर्स थे जिसपे अवैध खनन का कार्य किया जा रहा था। और पुलिस को देख करके उसमें से कई लोग डाला यहाँ पे खोल करके आगे दूसरे तरफ भागे हैं। हम लोगों ने एसपी औरंगाबाद साहब से भी संपर्क किया है कि उधर से हम लोग को पुलिस का सहयोग मिल पाए, वो भागने नहीं पाए। और हम लोग की टीम अभी गई है यहाँ से एक ट्रैक्टर पे चढ़ करके, जो भी वहाँ पे लोग हैं या जो भी वहाँ पे ट्रैक्टर है सबको रिकवर करके हम लोग उस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको करेंगे। और पूरे जिले में ये अभियान चलाया जा रहा है जिसमें अवैध खनन या ओवरलोडिंग या उसका जो अवैध खनन करने के बाद जो परिवहन किया जाता है उस पर कार्रवाई हो रही है। आम जनता का भी सहयोग मिलेगा तो निसंदेह हम लोग इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा पाएंगे। सर, ऐसा होता है कि आप लोगों के द्वारा बार बार कार्रवाई होती है किंतु फिर भी ये लोग जो है घाट बना लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं, इन लोगों का कोई, इन लोगों के लिए कोई ऐसी कार्रवाई हो जो भविष्य में इस तरह का मतलब ये घटना, ये इस तरह की चोरी बालू की जो हो रही है ये ना हो सके? देखिए, इसमें पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा लगातार इस पे कार्रवाई की जाती है। जैसे सभी जो घाट हैं जहाँ पे ये लाइसेंस नहीं है वहाँ पे रास्ता भी कटवाया गया था, लेकिन इन लोगों के द्वारा इसको फिर से भर लिया जाता है। हम लोगों लगातार उस पे जो इनका ये, क्योंकि एक इकोनॉमिक ऑफेंस है तो इकोनॉमिक ऑफेंस में हम लोग इन पे जो आर्थिक रूप से इनको क्षति पहुंचाने के लिए जो पीएमएलए का प्रस्ताव है उसको भी भेजेंगे, जो बड़े माफिया हैं बालू माफिया, और ये सुनिश्चित कराएंगे कि जल्द से जल्द इनको सजा मिले।